बीएससी पार्ट थर्ड हम सॉलिड स्टेट जो आपका पेपर फर्स्ट है उसके बारे में पढ़ रहे थे हमने कल। पिछले टॉपिक में ससंजक ऊर्जा, विभिन्न प्रकार के आबंध जिनमें हमने जो है सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध, इन पर चर्चा की थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले आबंध पर, धात्विक आबंध। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, धात्विक आबंध। जो तीसरे नंबर का आबंध है वो है धात्विक आबंध, मेटलिक बॉन्डिंग, यानी कि जो धातुएं हैं, धातुओं में जो बंध पाए जाते हैं उन बंधों पर चर्चा करेंगे। धातु, चूंकि जो धातुएं होती है, धातुओं के बारे में हम सब जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनकी जटिल क्रिस्टलीय संरचना में जो इलेक्ट्रॉन है वह मुक्त अवस्था में रहता है, वो परमाणु के नाभिक से शिथिलबद्ध होता है, उसे परमाणु उस परमाणु के नाभिक से उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। इसलिए धातुएं विद्युत की सुचालक भी होती है, ऊष्मा की इसलिए सुचालक होती है। साथ ही हम ये देखते हैं कि जो धातुओं में जो धनायन परमाणु होते हैं उन धनायनों के साथ ये इलेक्ट्रॉन आपस में एक धातु जो पॉजिटिव आयन है और जो इलेक्ट्रॉन है उनके मध्य आकर्षण बल होता है, और उस आकर्षण बल के द्वारा वे बंधे रहते हैं, दुर्बल आकर्षण बल होता है, और उसी के फलस्वरूप जो उनके मध्य आबंध तैयार होता है उस आबंध को कहते हैं हम धात्विक आबंध, जो धातुओं में पाया जाता है। अब इसके बाद हम इसके इन धात्विक आबंध वाले क्रिस्टलों की जो विशेष गुण हैं, इन धात्विक आबंध वाले जो क्रिस्टल हैं उनके जो विशेष गुण हैं, उनके जो विशेष लक्षण हैं, उन पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर एक, ससंजक ऊर्जा। ससंजक ऊर्जा, इनकी ससंजक ऊर्जा कम होती है, इनकी ससंजक ऊर्जा कम होती है। धात्विक बंध जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के बीच में बनता है, तो यहाँ उनकी ससंजक ऊर्जा कम होती, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकल आ सकता है, कमजोर बंध होता है, इसलिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, आसानी से कम ऊर्जा में जो है इलेक्ट्रॉन को उस बॉन्ड से मुक्त किया जा सकता है, इसलिए यहाँ इनकी ससंजक ऊर्जा कम होती है। लेकिन अपवाद सब जो टंगस्टन है, टंगस्टन धातु के लिए जो ससंजक ऊर्जा है वो अन्य की तुलना में अधिक होती है। दूसरी हम चर्चा करते हैं चालकता। चालकता की बात करें तो ये ऊष्मा के भी चालक होते हैं, और मुक्त अवस्था में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण यह विद्युत के भी सुचालक होते हैं। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक है वो है चांदी, क्योंकि चांदी में जो है सर्वाधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अतः जो धात्विक आबंध वाले जो क्रिस्टल हैं उन क्रिस्टलों में ये विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक। बात करते हैं नंबर तीन, गलना एवं क्वथनांग। चूंकि धातुएं हैं
इनके जो परमाणु हैं अति निकट होते हैं, इनकी क्रिस्टलीय संरचना जटिल होती है, इसलिए धातुओं के जो गलनांक क्वथनांक हैं सामान्य तौर पर उच्च पाए जाते हैं। गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं, इनके गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। यहां हम एक बात देखें, पारा मरकरी जो कि एक ऐसी धातु है जो सामान्य तापदाब की स्थिति में यानी कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, प्रकाश प्रकाश के लिए ये जो धातुएं होती है प्रकाश को यह आर पार नहीं निकलने देती, यानी कि प्रकाश के लिए अपारदर्शी पदार्थ की तरह व्यवहार करती है। तो इनके इनका जो प्रकाशीय गुण है, प्रकाशीय गुण हम देख सकते हैं कि प्रकाश के लिए अपारदर्शी अपारदर्शी यानी कि प्रकाश इनमें से आर पार नहीं जा सकता। पांचवा, इनके विशेष गुणों को प्रदर्शित करता है जो कि हम धात्विक गुणों के अंतर्गत पढ़ते हैं। धातुओं में तन्यता और कठोरता, इसके अलावा आघात वर्धनीयता जैसे गुण पाए जाते हैं। तन्यता, आघात वर्धनीयता, कठोरता, इसके अलावा चमक। यदि धातुओं के किसी एक सरफेस को, धातु की जो ऊपरी सरफेस है उसको काटा जाए तो जो नई सरफेस निकल करके आती है वो एकदम चमकदार होती है। कभी भी हम किसी धातु के ऊपरी सरफेस को, ऊपरी सतह को काटें और काटने के बाद जब उसकी दूसरी सतह दिखाई देती है तो एकदम चमकती हुई दिखाई देती है। आघात वर्धनीयता, इनको पीटा जा सकता है, इन धातुओं को पीट करके इनको जो है इनकी चद्दर बनाई जा सकती है। तन्यता, इनके तार बनाए जा सकते हैं, इनको गर्म करके ये तार के रूप में पिघल करके जो है इनके तार बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये धातुओं के कुछ गुण होते हैं जिन्हें हम कहते हैं धात्विक गुण। धात्विक गुणों में हमने गुण देखे तन्यता, आघात वर्धनीयता, कठोरता, चमक। तो ये धातुओं के कुछ गुण हैं। धात्विक क्योंकि धातुओं में धात्विक आबंध पाया जाता है तो उनसे संबंधित ये गुण थे। अब इसके बाद हम अगला आबंध है अणु या वांडरवाल आबंध, तो फोर्थ नंबर लेते हैं। वांडरवाल आबंध, चूंकि हमने पढ़ा हुआ है कि वांडरवाल गैस, तो यह जो आबंध है अधिकतर गैसीय फॉर्म पदार्थों की जो गैसीय अवस्थाएं होती है वहां पाया जाता है। वांडरवाल जो आबंध है या आणविक जो आबंध है, अणु आबंध, ये सामान्य तौर पर जो है गैसों में पाया जाता है। गैसों का गुण है, गैसों में यह आबंध पाया जाता है। गैसें आयनित अवस्था में हो जाती है तो उस स्थिति में पॉजिटिव और निगेटिव जो आयन्स हैं उनके मध्य ये आबंध पाया जाता है। गैसों के जो अणु हैं वो ध्रुवित हो जाते हैं तो यह एक प्रकार का इन जो वांडरवाल आबंध है इनमें जो ध्रुवीय अणु होते हैं
उन द्विध्रुवीय अणुओं के मध्य आकर्षण बल पाया जाता है। इस कारण वहां जो बंध तैयार होता है उसको कहते हैं हम वांडरवाल आबंध। गैसों में दो ध्रुव बन जाते हैं और इन दोनों ध्रुवों के मध्य जो आकर्षण बल लगता है उस आकर्षण बल के फलस्वरूप यह आबंध तैयार होता है, उसे कहते हैं हम वांडरवाल आबंध और ये गैसों में पाया जाता है। वांडरवाल आबंध चूंकि गैसों में पाया जाता है तो इन वांडरवाल आबंधों के जो गुण हैं उनको हम देखते हैं, जो लक्षण है। पहला लक्षण ससंजक ऊर्जा, चूंकि ये आबंध गैसीय अवस्था में होते हैं तो इन बंधों को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इन आबंधों को आसानी से कम ऊर्जा में ही तोड़ा जा सकता है। इसलिए यहां इन आबंधों के लिए जो ससंजक ऊर्जा होती है वह कम होती है, ससंजक ऊर्जा का मान कम होता है क्योंकि इन आबंधों को आसानी से ब्रेक किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। दूसरा हम बात करते हैं गलनांक क्वथनांकों की। गलनांक क्वथनांक निम्न होते हैं, उच्च नहीं होते, क्योंकि गैसीय अवस्था में ये आबंध पाए जाते हैं तो ये आबंध जिनमें पाए जाएंगे ऐसे पदार्थों के गैसीय अवस्था में गलनांक क्वथनांक कम होंगे। तीसरा हम देखते हैं चालकता और उसके बाद हम देखेंगे प्रकाशीय गुण। तो नंबर तीन पे लेते हैं हम चालकता। चालकता की बात करें तो गैसीय अवस्था में वांडरवाल आबंध पाए जाते हैं तो इनसे बने जो क्रिस्टल होते हैं उन क्रिस्टलों में गैसीय अवस्था में जो है चालकता नहीं पाई जाती है। ये चालक विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत कुचालक होते हैं। नंबर फोर प्रकाशीय गुण, चूंकि गैस जो है गैसीय अवस्था में प्रकाश आसानी से संचरण कर सकता है अतः प्रकाशीय गुण की बात करें तो इस प्रकार के वांडरवाल आबंध वाले क्रिस्टलों में यानी कि गैसीय अवस्था में प्रकाश का संचरण होता है, प्रकाश के लिए पारदर्शी होते हैं। इसके उदाहरणों की बात करें तो समस्त प्रकार की जो गैसें हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑर्गन तो ये सभी जो गैसें हैं इसके उदाहरण के रूप में ली जा सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले आबंध पर, जो कि हमारा अगला आबंध है वो है हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंध की बात करते हैं हाइड्रोजन आबंध, नाम से ही पता चलता है हाइड्रोजन आबंध या हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि जहां हाइड्रोजन के द्वारा बंध बनाया जाए उस बंधों को ही हम कहते हैं हाइड्रोजन आबंध। जैसे कि हम सामान्य तौर पर पढ़ते हैं सामान्य उदाहरण लेते हैं जल का H2O, तो वहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और हाइड्रोजन चूंकि इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु के रूप में कार्य करता है तो हाइड्रोजन परमाणु पर जो है प्लस आयन आ जाता है और OH जो है उस पर माइनस आयन आता है। इसी तरह यदि हम बात करें HF यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन गैस तो वहाँ जो है
हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु के रूप में होता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्राही के रूप में होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही गैस होती है या इलेक्ट्रॉन ग्राही तत्व होता है। तो वहाँ H प्लस और F माइनस के रूप में बनता है, और जो इनके इलेक्ट्रॉनों का जो संयुग्मन हो रहा है, जो साझेदारी हो रही है, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो रहा है, वह इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉनों का झुकाव जो निगेटिव आयन है जिसके ऊपर ऋणावेश आया हुआ है उसकी ओर इनका झुकाव होता है। यदि हम बात करें तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों का झुकाव होता है वो हाइड्रोजन से दूर होता है, यानी कि जो हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन से दूर का जो परमाणु है ऋणावेश परमाणु, उस ऋणावेशित परमाणु पर जो है इलेक्ट्रॉनों का अधिक झुकाव होता है, उसके अति निकट होते हैं। ये हाइड्रोजन बंध की प्रमुख विशेषता के रूप में है। अब इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन आबंधों के लक्षण। हाइड्रोजन आबंध के लक्षणों में हम देखते हैं सबसे पहले जो हम बात करते हैं सहसंजक ऊर्जा। हाइड्रोजन आबंधों के लिए जो सहसंजक ऊर्जा का मान है कम होता है। हाइड्रोजन आबंध के लिए जो सहसंजक ऊर्जा का मान है वो कम होता है। दूसरा बहुलीकरण, इनमें बहुलक के रूप में एक श्रृंखला चैन फॉर्म में बनने की प्रकृति पाई जाती है, तो यहाँ बहुलकीकरण की प्रकृति यहाँ इनमें जो है पाई जाती है। इसके यदि हम उदाहरणों की बात करें तो H2O, HF, इसके अलावा अन्य उदाहरण भी हम लेते हैं NH आदि। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन जो आबंध है उसकी सहसंजक ऊर्जा कम होती है, क्योंकि ये इस बंध को आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसकी जो बॉन्डिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है वह कम होती है, यानी कि कम ऊर्जा पर इस बंध को आसानी से ब्रेक किया जा सकता है। बहुलकीकरण की बात करें तो ये श्रृंखलाबद्ध प्रकृति में पाई जाती है, श्रृंखला बनाते हैं। इसके कुछ उदाहरण लिए हमने H2HF इस तरह से। इसके बाद हम आगे हमारे टॉपिक जो आबंध वाला टॉपिक है ये यहीं पर हाँ खत्म होता है। इससे हम आगे चर्चा करते हैं आयनिक क्रिस्टलों की बंधन ऊर्जा। आयनिक क्रिस्टलों की बंधन ऊर्जा या सहसंजक ऊर्जा, हम सहसंजक ऊर्जा और बंधन ऊर्जा के बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि जो परमाणु होते हैं परमाणुओं में परमाणु से जो क्रिस्टल तैयार होते हैं तो वहां जो परमाणु होते हैं दो प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं क्रिस्टलों में, एक तो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु और एक इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु। तो इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही दोनों परमाणुओं को जब अति निकट लाया जाता है तो उन दोनों के मध्य
अन्योन्य क्रिया संपन्न होती है, उस अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप दोनों के मध्य बंध तैयार होता है, और उस बंध को यदि तोड़ा जाए, उस बंध को ब्रेक किया जाए, तो उस बंध को तोड़ने के लिए प्रति अणु जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, प्रति अणु जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम बाइंडिंग एनर्जी या सहसंजक ऊर्जा कहते हैं। अर्थात दोनों परमाणुओं के मध्य जो आबंध है, आयनिक आबंध है, इलेक्ट्रॉन दाता और इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु के मध्य, तो उस आबंध को तोड़ने के लिए प्रति परमाणु या उन परमाणुओं को स्वतंत्र घटकों के रूप में विघटित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं सहसंजक ऊर्जा, बंधन ऊर्जा, और यह ऊर्जा प्रति परमाणु ली जाती है। प्रति परमाणु आवश्यक ऊर्जा को ही हम कहते हैं बंधन ऊर्जा। ये बात हुई सहसंजक ऊर्जा बंधन ऊर्जा पर। अब यह जो बंधन ऊर्जा है, सहसंजक ऊर्जा है, यह कई प्रकार की ऊर्जाओं का योग होता है। सहसंजक ऊर्जा को हम कोहेसिव एनर्जी भी कहते हैं, सहसंजक ऊर्जा को हम कोहेसिव एनर्जी भी कहते हैं, और सहसंजक ऊर्जा प्रति परमाणु तीन प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन ऊर्जा, और इसके अलावा कूलाम ऊर्जा या आकर्षण ऊर्जा, इन तीनों ऊर्जाओं का योग होती है। तो यदि हम बात करें सहसंजक ऊर्जा कोहेसिव एनर्जी EC = EA + EI + EC, इस तरह से यहां सहसंजक ऊर्जा को तीन ऊर्जाओं के योग के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी। ये है आपके आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, और ये है आपके कूलाम ऊर्जा या आकर्षण ऊर्जा। इन तीनों ऊर्जाओं का योग होती है सहसंजक ऊर्जा EC। अब यहां हम बात करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। जब एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो दूसरा परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो जो ग्राही परमाणु है उसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए उसे कुछ ना कुछ ऊर्जा प्राप्त होती है, उसे कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहां हम इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें
तो हम ये कह रहे थे कि एक परमाणु जो कि इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है और एक जो परमाणु है इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु है। तो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो जो ग्राही परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है वहां इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हुए ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और जितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा वह ऊर्जा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाएगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन को बांधने के समय जितनी ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है वह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा कहलाती है। दूसरी हम बात करते हैं आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा आयनाइजेशन एनर्जी तो यहां हम जैसे कि चर्चा कर रहे थे कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता और एक इलेक्ट्रॉन ग्राही। अब जो इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए वहां उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उस परमाणु को कुछ न कुछ ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को कुछ न कुछ ऊर्जा प्रदान की जाती है और वह उस परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए जितनी ऊर्जा ग्रहण करता है या उस परमाणु को जितनी ऊर्जा दी जाती है वह ऊर्जा कहलाती है आयनन ऊर्जा। यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु से इलेक्ट्रॉन को वहां से हटाने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है उस ऊर्जा को कहते हैं हम आयनन ऊर्जा। तो यहां हमने दो एनर्जी पे चर्चा की इलेक्ट्रॉन बंधुता और आयनन ऊर्जा। अब हम कल अपने जो नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम चर्चा करेंगे कूलॉम ऊर्जा पर कि कूलॉम ऊर्जा क्या होती है। तो आप इनको पहले स्टडी करें इलेक्ट्रॉन बंधुता आयनिक क्रिस्टलों के बंधन ऊर्जा पर कि आयनिक क्रिस्टलों की जो संयोजन ऊर्जा है कोहेसिव एनर्जी वो तीन ऊर्जाओं का योग होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधुता आयनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा और कूलॉम एनर्जी ठीक है। तो ईसी थैंक यू।